तथाकथित कथित प्रेत बाधा जो कह लीजिए, उस बाधा के इर्द गिर्द भी बहुत बहुत संलग्न रह चुके हैं, बहुत परेशान रह चुके हैं। उसके चलते साल भर से परमानेंट एक मजार पर भी जाते हैं, हैं? वहाँ से प्रेत बाधा हो गया, मतलब प्रेत पकड़ रहा है इनको। प्रेत छोटा बच्चा था, मतलब प्रेत बाधा हमारे परिवार में है और उसको तो मजार में क्या प्रेत स्पेशलिस्ट रहते हैं क्या? तो मजार के साल भर से मजार पर भी जाए, अब इनके अनुसार कि मजार तो हाल फिलहाल में बनना शुरू हुआ है 50-60 बरस से, उसके पहले प्रेत नहीं होते थे, इसका मतलब तो उनके वहाँ से मतलब ये कहते कि राहत है। हम उसका मतलब तो ही ना हुआ भी चर्चा करेंगे कि 50 बरस पहले प्रेत नहीं थे, अब मजार आया तो प्रेत हो गए, या पहले प्रेत थे वो काबू में नहीं आते थे, अब आ रहे हैं काबू में, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ। कुल मिला के बात यह है कि समस्या और समाधान है ना, विकल्प यहाँ आया हमारे। तुम कैसे जानते हो कि प्रेत है? नहीं, हम तो जानते नहीं है, लेकिन जो तुमने उसका विश्लेषण नहीं किया ना, बच्चे के विश्लेषण के लिए तो हम पहले तो ओझा सोखा। ओझा सोखा कोई विश्लेषण थोड़ी होता है, अब जो भी कुछ रहा हो उसके बाद समागम से भी, मतलब जब तक हम आश्रम पर रहे तब तक कुछ ठीक ठाक चला सब, घर जाने के बाद फिर बच्चे की वही स्थिति। अपने तुम कहानी बताओ, क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सर, अब तो मान लीजिए कि ठीक ठाक है, जो भी कुछ है, मेन समस्या जो भैया कह दिए हैं उसको दोहराने के लिए, तो बच्चे के लेकर ही चालू हुई हमारे, जैसे सर में दर्द, पेट में दर्द, उथल पुथल, शुरुआती दौर तो मतलब दवा किया गया एकदम कंटिन्यू, उसके बाद जब स्थिति नहीं समझ में आई, पैर टूटा उसका एक, उसके बाद हम कंपनी के ही लेकर मार्टर से जा रहे थे मीटिंग में, वापस आए स्टेशन से, बच्चा प्लास्टर लगा था और जो है कि बेड पे ही परेशान था, बोलते रहो। जो भी तांत्रिक प्रक्रिया थी, हम ओझा सुखा के पास गए, जाते थे, बच्चा ठीक होता था, रास्ते में ही थे बीमार हो जाता था, घर आते थे बीमार करते कराते, फिर उसके बाद समागम गए सत्संग, वहाँ से कुछ दिन ठीक रहा, फिर घर गए वही स्थिति, उसके बाद हम मौलाना पकड़े, फिर चले गए मजार पे, मतलब मजार से तो हमको भरपूर पूरी राहत मिली है, बच्चा ठीक ठाक है। तो सब भूत जो है मौलाना के हाथ में है? नहीं, मौलाना से कोई मतलब नहीं रहा। हाँ, तुम कैसे जानते हो कि उसका भूत था? ठीक होने की वजह से खाली तुम अनुमान लगाते हो कि भाई जब अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया, इससे तुम कैसे जाने कि भूत है? हमारे पास का क्या प्रमाण है कि भूत? अब जो भी उसमें मजार की प्रक्रिया है, हाजिरी लगना, खेलना कूदना, यही सब था, जो अगल बगल आत्मा, जैसे मान लीजिए कोई खेलेगा, कोई ड्रामा करेगा तो वो हो गया, ये तो आप अपनी मानसिकता हो गई ना गुरुजी की, नहीं हम इसको नहीं मानते हैं। नहीं तो उसका प्रमाण होना चाहिए ना, वही मानता तो दिखलाए प्रेत, कोई दिखाएगा तो दिखने वाला तो है नहीं, तो दिखने वाला तो वो कैसे जाना कि प्रेत है? किस चीज से जानेगा कोई? जो जबान से बात निकल रही उसी चीज को मान रहे हैं ना, जबान से तो कोई कुछ भी बोल देगा, हिंदी अंग्रेजी उर्दू यही ना बोलेगा, पागल होगा, विक्षिप्त होगा, दंड बंड बोलेगा, तो मेंटल प्रॉब्लम है ना। दवा के बावजूद भी नहीं सही हुआ? दवा से सही नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हो गया कि भूत है। तो उसका विकल्प क्या होगा? जैसे मान लीजिए हम बीमार हैं उस स्थिति से, दवा से नहीं सकते सही होते हैं, तो फिर दवा ही है उसका विकल्प और कुछ नहीं है। हाँ, दवा ये है कि कुछ दवा जो होती है या तो केमिकल के रूप में दवा है, या किसी से जो है हम सलाह लेते हैं, साइकोलॉजिस्ट से सलाह लेते हैं जी, मनोवैज्ञानिक से सलाह लेते हैं, हम क्या मानते हैं उसके आधार पर। अगर हम भूत मानने वाले तो हमको भूत पकड़ ही लेगा, अगर भूत हम मानने वाले हैं, व्यक्ति मानते ही हैं, तो भूत हमें धर लेगा, क्योंकि हम अपने मान्यता से धर लिए जाते हैं। हमें क्यों नहीं कभी भूत धर लिया? मोदी को क्यों नहीं भूत धर रहा है? अंबानी को क्यों नहीं भूत धर रहा है? सोचने वाली बात है कि नहीं? साइंटिस्टों को भूत क्यों नहीं धर रहा है? भूत सिर्फ गरीब लोगों को क्यों धरता है? सिर्फ गंवार लोगों को क्यों धरता है? सिर्फ जाहिल लोगों को भूत धरता है? कभी भी विद्वानों को भूत नहीं धर सकता।
इसका मतलब क्या है, इसमें का मतलब सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम है, यह एक मानसिक कमजोरी है। अगर हमें कोई दिक्कत आ गई, आर्थिक दिक्कत आ गई, तो हम सोचने लगे कि कोई भूत की वजह से हो रहा है। अगर कोई हमें बीमारी हो गई तो भूत की वजह से, ये बीमारी क्यों हो रही है, वो भी मानसिक कमजोरी से ही बीमारी होती है। घर में कुछ भी होने लगे, परिवार में कुछ भी होने लगे, तो ऐसा आदमी हर चीज़ को भूत के ऊपर थोपना शुरू कर देता है कि ये भूत हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी होने लगता है तो भूत मानता, और जो भूत को नहीं मानता है ना, उसके लिए कहीं भूत नहीं है। जो उसको, जो भूत नहीं मानता है उसके लिए कभी भूत नहीं है। वो तो जाएगा, जब जाएगा डॉक्टर के पास जाएगा, कहीं चिकित्सक के पास जाएगा, कोई औषधि खा सकता है या कोई मनोवैज्ञानिक सलाह ले सकता है, या योग वगैरह करेगा, ध्यान वगैरह करेगा, उसका हल यही है। हमने भी बहुतों का उपचार किया है, लेकिन इस तरह से झूठी बातों पर उपचार नहीं होता है। उपचार का मतलब होता है कि उसको ऐसा कीजिए कि फिर दोबारा वो कभी भी भूत के द्वारा नहीं पकड़ लिया जाए, क्योंकि भूत का जो कॉन्सेप्ट है उसको ख़त्म कर दीजिए, उसके सिद्धांत को ख़त्म कर दीजिए। मजारों का तो बिजनेस चल रहा है इसी पर, देश में जितने मूर्ख होंगे मजार का उतना बढ़ेगा, मुसलमानों की आबादी बढ़ेगी इसी तरह से, वही सब ड्रामा कर करके पैसा लूटेंगे सब। उसमें आपकी कमजोरी दिमाग की है और कुछ नहीं है। नहीं कुछ गुरु जी, आप मतलब सब शांति है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कुछ ये शांति नहीं है, ये फर्जी शांति है, इसको मैं शांति नहीं मानता। टेम्प्रोरी रिलीफ है ये सर। शांति तब होगी जब हम कॉन्सेप्ट से समझ जाएंगे, जब हम सैद्धांतिक रूप से समझ जाएंगे, तब जो होगा। ये नहीं कि हमको अभी तो रिलैक्स हो गया तो हम तो ठीक हो गए, ठीक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आप अपनी उस मान्यता से ग्रस्त हैं, आप ठीक नहीं हैं। तो कल फिर हाथ पे छटपटाने लगेगा, कल फिर ऐसे कुछ विपरीत घटना घटेगी, ओ अब तो भूत पकड़ लिया हमको, चलें फिर हो जाके पास, फिर तो ये होगा। ऐसे लोग भूत से कभी नहीं निपटते, क्योंकि वो सैद्धांतिक रूप से भूत से पकड़ लिए गए हैं। वो तो सिर्फ लक्षण न प्रकट होंगे, हाथ पैर छटपटा रहा है या नहीं छटपटा रहा है, आँख उलट रही है या नहीं उलट रही, ये तो लक्षण हुए। असली चीज़ तो है कि दिमाग में उसका क्या है। आप ठीक तब हैं जब आप अपने दिमाग को ठीक कर लिए हैं, और आप अपने दिमाग को अपने से ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे? बेहतर तर्क से ठीक करेंगे, प्रयोग से ठीक करेंगे, आध्यात्मिक सिद्धांतों पर चलकर ठीक होंगे, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पद्धति से ठीक होंगे। यानी कि डॉक्टर के पास गए तो वहाँ ठीक नहीं हुआ, तब हम वहाँ चले गए तो अब वहाँ ठीक हो गया, तो इसका मतलब वो ठीक हो गया, कुछ ठीक नहीं हुआ। अगर डॉक्टर से भी ठीक हो जाता तो भी मैं ठीक नहीं मानता उसे। डॉक्टर भी जो ठीक कर देते हैं उसे मैं उपचार नहीं मानता। वह भी एक मनुष्य का जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ही है, जो कि बीमारी हो जाती है, दौड़ के डॉक्टर के पास जाते हैं। आप कोई भी बीमारी हुई है तो वट वास्तव में ठीक कब है? जब आप स्वयं उसका इलाज करते हैं तब, और उसका कारण पता लगा करके। बात समझ में आ रही है? जब आप अपना डॉक्टर खुद हैं, क्योंकि प्रकृति ने सबको वो क्षमता दी है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि हम इतने आलसी और निकम्मे हैं और इतने ज्ञान विरोधी हैं कि बस हम सोचते हैं कि कौन मेहनत करेगा, कौन वो करेगा, क्योंकि इसमें शोध करना पड़ता है ना व्यक्ति को। मेरा पेट दुख रहा है, पेट मेरा दुख रहा है तो मुझे खुद पता लगाना चाहिए ना कि पेट मेरा क्यों दुख रहा है। खुद अपना शोध करना चाहिए कि मैंने ऐसा क्या किया, मैंने ऐसा क्या सोचा, मैंने ऐसा क्या खाया, मैंने ऐसा क्या पिया, मैं कैसे सोया, कैसे उठा, कब नहाया, कब। स्वयं अपना शोध कीजिए तो आपको पता चलेगा कि मेरी कहीं ना कहीं गलती थी जिसके कारण ये हुआ। ये तो शरीर का एक संकेत है कि आपको दर्द दिया गया, क्यों? क्योंकि आपने अपने रूटीन को गलत किया कहीं ना कहीं, तो शरीर ने आपको एक दर्द दिया। दर्द यह बताने के लिए है कि यहाँ पर तुम गड़बड़ थे, तुमने जो भी खान पान ये कुछ किया सब कहीं ना कहीं कहीं दोष था, उस दोस्त को सुधार लो। अगर आपने मान लिया कुछ ऐसा खा लिया जैसे गैस बन गया, दर्द हो गया, आप भागे भागे गए, या तो कोई दर्द की दवा दे सकता है, या तो गैस की दवा दे देगा, या गैस और दर्द दोनों की दवा दे देगा, आराम हो गया, लेकिन वास्तव में वो आप ठीक नहीं हुए। आराम हो जाना थोड़ी देर के लिए ठीक होने में बहुत अंतर है। ठीक तब हुआ जब मैं जान जाऊँगा कि ये मैं खाया था, इससे गैस बना था, इसके कारण ये हुआ, अब मैं इसको नहीं खाऊँगा, अब ऐसे मैं नहीं खाऊंगा, समझ गए जी। तो जब उस कारण को आप समझ गए, उसका निदान ढूंढ लिया आपने, तो आप समझिए कि आप ठीक हुए हैं।
जब तक कारण को आपने नहीं पता लगाया तब तक आप कार्य से खाली उपचार कर रहे हैं। तुम्हारा जो उपचार है वो लक्षण वाला है, कार्य वाला उपचार है। कार्य वाला उपचार कभी सही नहीं होता, सदैव कारण वाला उपचार सही होता है। कोई भी जो घटना घट रही है उसके पीछे कारण होते हैं, यह घटना है तो इसके पीछे ये कारण है। तो उन कारणों को जब हम जान जाते हैं और उसको हम कंट्रोल में कर लेते हैं, उसको हम फिर नहीं होने देते हैं, तो समझिए कि हम ठीक हैं। यह अभी आप भूत से ठीक नहीं हैं, अभी तो लक्षण खाली नहीं हुआ है कि लक्षण नहीं उभरा, बस आप मान लिए कि हम ठीक हो गए, कुछ ठीक नहीं हुए। अभी फिर कुछ घटना घट जाएगी, फिर तो आँख कान उलट पुलट हो जाएगा, अट बट बकने लगेंगे, आओ इनको तो फिर भूत धर लिया, अरे इस बार दूसरा भूत धर लिया, फिर लेके दौड़ो। फिर ये होता है, भूत वालों से तो मेरा पाला पड़ता रहता है ना इतने वर्षों से, तो मैं सब जानता हूँ ना। कभी फलनवा भूत धरेगा, कभी ढिकनवा भूत धरेगा, उनको भूत कभी नहीं छोड़ता है। कभी इस पेड़ का भूत धरेगा, कभी उस पेड़ का भूत धरेगा, समझ रहे हैं? क्योंकि वास्तव में उसने भूत को पकड़ा हुआ है उसने दिमाग में अपने। तो जो भय है वही भूत है। और भय चाहे किसी चीज का हो जाए, मृत्यु का भय हो जाए, कोई दुश्मन डरा दे, आपको तो इतना डर लगेगा कोई एक फूल फेंक दिया आपके घर के सामने आप डर जाएंगे। आपके दिमाग की इतनी कमजोरी है कि एक आदमी एक फूल फेंक दिया तो आप डर जाएंगे और आपको पकड़ लेगा भूत। आप सोचेंगे अरे किसी ने कर दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है, समझ रहे हैं कि नहीं? मनुष्य को इतना डरा दिया गया है अज्ञानता से कि वह छोटी छोटी चीज़ों से डर जाता है। कोई चूड़ी फेंक देगा डर जाएंगे आप, सिंदूर फेंक दिया डर जाएंगे आप, नींबू फेंक दिया डर जाएंगे। अरे नींबू है, उसको नींबू क्यों नहीं मानते? कोई मिर्ची फेंक दिया डर गए। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों से जब आप डरते हैं तो बड़ी बड़ी चीज़ें कितना डर जाएंगे, तो दहल जाएंगे पूरा। तो ऐसे लोगों को भूत पकड़ता है। तो भूत उनके दिमाग में है, उन्होंने खुद उसको पैदा किया है, कई कहानियों को उसने सुन रखा है, दूसरे लोग बताते हैं। दूसरे लोग बताने वाले कौन है? वे भी उसी तरह डरपोक हैं जैसे वो है। जो कहानी उसको सुनाते हैं, जो दृष्टांत देते हैं, जो उसको सलाह देते हैं, वे कौन लोग हैं? सलाहकार कैसा है यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। सलाहकार भी आप ही के स्तर पर उतरा हुआ है, बल्कि हो सकता है आपसे भी नीचे होगा, वो आपसे भी ज़्यादा डरता हो। आपको थोड़ा सा डर बैठा है, उसने और ज़्यादा डर बढ़ा दिया आपका। और ऐसे ऐसे अगर उसके जैसे अगर 50 सलाहकार हो गए या 50 ऐसे लोग हो गए जो अपना अनुभव सुनाने लगे, कर मुझे ऐसा हुआ था, मुझे वैसा हुआ था, मुझे ऐसा हुआ था, हम गए थे वहाँ तो ठीक हुए थे, ऐसे हो गया था। अब नहीं भी व्यक्ति को कुछ हुआ था ना, तो उन लोगों की वजह से जो है उसको मानसिक उलझन हो जाएगी, रात को सपने में उसको आने लगेगा भूत और उसको धरने लगेगा, उसका दिल धड़कने लगेगा खूब जोर जोर से, उसकी आवाज़ बदल जाएगी, आवाज़ पथरा जाएगी। हम लोग की आवाज़ जो है ना बदल जाती है, भय की आवाज़ अलग होती है, क्रोध की आवाज़ अलग होती है। जब गाएंगे तो आवाज़ अलग निकलेगी, बात समझ में आ रही है? हाँ एकदम बुझी। हाँ सोच रहे हैं तब। तो जो भी आपके सलाहकार थे ना, सब वैसे ही लोग थे जो डरे हुए लोग थे, वे सब वही लोग थे जो वही सिद्धांतों को विश्वास करते थे और उन्हीं चीज़ों को मानते थे, और बस उसके कारण ही उन लोगों ने वैसी सलाह दी जिसके कारण और भय हो गया। नींबू फेंक दिया है आप डर गए, नींबू का पूरा एक टाल फेंक दो, अच्छा है हमारा नींबू इकट्ठा हो जाएगा, हम खाएंगे नींबू अचार बनाएंगे। इस दिमाग को जब आप लाएंगे तो देखेंगे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, नहीं तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ फेंक दिया बस भय से मरने लगे। तो अपने उस भय को निकालें, वो भय जो है ना वही भूत है। हमारे गांव में एक औरत थी, उसके पति की कमाई धमाई हो गई थी, अब उसको भूत धर लिया। हाँ तो इस कटाल का पेड़ का भूत आ गया और ड्रामा करने लगे पूरा, तो भूत धर लेता है। अमिताभ बच्चन को भूत क्यों नहीं धर रहा है? सोचने वाली बात है कि नहीं है? कोई कर भी नहीं पा रहा है। हाँ कभी देखना है, कभी उच्च स्तर के जो लोग हैं उनको भूत नहीं धरता हुआ दिखता है आपको? दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वो मेंटली टफ हैं, इसीलिए वो उतनी ऊंचाई तक पहुँचे हैं। वे लोग मानसिक रूप से बहुत दृढ़ हैं, मजबूत लोग हैं। सब तो सब जो दिमाग से जो कमज़ोर है ना, उन्हीं लोग को भूत और पिशाच धरता है। सिर्फ कमजोरी है भूत और कुछ नहीं है सिवाय कमजोरी की। आप
और जब आपकी कमजोरी हो जाएगी तो बहुत लोग हैं जो कि आपकी इस कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं, जिन्होंने धंधा ही खोल रखा है आपसे पैसा ठगने के लिए। तो कोई 5,000 का खर्चा करा रहा है, कोई 25,000 करा रहा है, कोई 30,000 करा रहा है, इतनी मेहनत की जो कमाई है उसको ले जा रहा है, उसे क्या होगा, उसे और भूत उसको धर लेगा। क्योंकि जो पैसे थोड़े बहुत कठिनाई से मेहनत से कमा कमा के बचा के रखे थे उसको तो वो ले गया, खाली झांसा देकर ले गया, कुछ दिमागी उलझ करके आपने कमाए इतने मेहनत से और वो ले गया बस कुछ बात बना करके। और अगर वो पैसा नहीं ले जाता है तो भी जो है शत्रु है वो, क्योंकि उसने मेरे दिमाग को ले लिया, हमारे दिमाग को कमजोर कर दिया है। पैसा उतना महत्वपूर्ण है जितना कि दिमाग। पैसा ले लेगा तो पैसा मैं बना लूँगा फिर, लेकिन दिमाग ले लेगा तो फिर मैं दिमाग नहीं बना पाऊँगा। बात समझ में आ रही है जी? हाँ, तो हमारा मस्तिष्क मजबूत होना चाहिए, मस्तिष्क हमारा टफ होना चाहिए और वो तर्कपूर्ण होना चाहिए। तर्क से अगर आप उसको परखें बराबर तो देखेंगे ये सब जो है धंधे हैं, झूठ के फरेब के धंधे हैं जो खोल रखे गए हैं सब अंधविश्वासियों के लिए। ऐसे तो महाराज जैसे मजार और मंदिर पर जाते हैं और वो मान लेते हैं कि वहाँ जाने पर मुझे मतलब यहाँ से मुक्ति तक सोच लेते हैं कि वहाँ जाने से मेरी मुक्ति भी हो जाएगी। मुक्ति का वे लोग अर्थ भी नहीं जानते हैं जो ऐसा सोचते हैं, उनको मुक्ति का अर्थ ही नहीं पता है कि मुक्ति कैसे होती है। तो बुद्ध पागल थे क्या कि इतना तपस्या कर रहे थे, चले गए होते। महत्वपूर्ण है वहाँ पे, व्यक्ति महत्वपूर्ण है कि वो मंदिर महत्वपूर्ण है जिसमें मानते हैं कि ये देवता है चाहे ये मजार है वो ज्यादा। अरे मजार क्या है, एक मरे हुए आदमी के वहाँ पर निशानी है, एक मरा हुआ आदमी को वहाँ गाड़ दिया गया। मरा हुआ आदमी तुमको बचाएगा जब तुम खुद जिंदा अपने को नहीं बचा पा रहे हो? वह मरा हुआ आदमी जो वहाँ है भी नहीं वह तुमको कैसे बचा लेगा? कोई तर्क है इसके पीछे सिवाय ठगने का और कुछ नहीं है यार। सोच के देखो, एक व्यक्ति जो मर चुका वो तुमको बचाएगा, जिंदा आदमी को, जिंदा आदमी खुद जो अपने को नहीं बचा पा रहा है और उसके घर के लोग इतने सब जिंदा हैं, जिंदा से ज़्यादा मजबूत मरा हुआ होता है क्या? मरा हुआ आदमी को तो जब चाहे तब जला देता है, काट देता है, फेंक देता है, मरा हुआ आदमी की हैसियत क्या है? उसको तो नोच नोच के खा जाते हैं लोग, मरे हुए लाश को तुम फेंक दो उसका क्या हाल होगा? वो तो सबसे कमजोर है, महान आदमी था वो तो सबसे कमजोर है, उसको कुछ भी कर देगा। महान आदमी कोई सिर्फ चरित्र और व्यवहार और उसके विचार से होता है। महान आदमी का क्या महान था, कौन मजार वाला महान था, हम तो नहीं किसी को समझते कोई महान था। क्या उसने कौन सा सिद्धांत दिया है, क्या उसकी फिलॉसफी रही है जो महान था? एक वाक्य उसको शुद्ध ढंग का कोई चीज बोलने नहीं आया, वो महान हो गया? तो ऐसे जब मूर्ख रहेंगे तो जो वैसे रहेंगे ऑर्डिनरी आदमी उसको समागम महान समागम समागम में भी जाते हैं, हम भी गए थे वहाँ पे इनके वजह से दूसरा बगाने होने के लिए। तो वहाँ भी जब जहाँ समागम ऐसे सत्संग का नाम दिया गया हो और वहाँ साधना और भक्ति की विधियाँ बताई जाती हो तो कैसा समागम हुआ? मैंने कहा ना कि समागम के नाम पर, सत्संग के नाम पर भी बहुत धोखाधड़ी है। उनके पास कोई विचार ही नहीं है, श्रेष्ठ विचार है ही नहीं बताने के। मानते हैं कि मुझे फायदा हो रहा है। फायदा तो आप अपने दिमाग में मानेंगे तो आपको फायदा होता है नजर दिखेगा, क्योंकि आप इतने इतने नीचे स्तर पर गिर चुके हैं कि जैसे कि मान लो कि एक आदमी पास एक रुपया भी नहीं हो, हाँ, तो उसको 5 रुपया 1 रुपया कहीं मिल जाए तो सोचता है हमको बहुत फायदा हो गया जी, हमको 1 रुपया। और जो कमा रहा है 1 लाख 1 लाख उसके लिए कुछ है 1 रुपया? उसको अगर 1 रुपया 2 रुपया मिल जाएगा तो देखेगा भी नहीं। जो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख कमा रहा है डेली वो देखेगा नहीं। और जो 5 रुपया कहीं गिर गया, जो कहीं नहीं कमा, देखो नज़र गड़ाते रहता है कहाँ 5 रुपया गिरा, वो तुरंत उठा लेगा उसको, समझ रहे हो ना? तो कहेगा मुझे लाभ हो गया। अरे तुम्हारी औकात ही इतनी छोटी है कि तुमको तो एक दाना मिल जाएगा तुमको लगेगा कि लाभ हो गया, चावल का एक दाना गिर जाएगा तो तुमको लगेगा लाभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी हैसियत दिमाग की इतनी कम है इसलिए लाभ होता है। बात समझ में आ रही है? मानसिक स्तर इतना नीचे गिरा दिया है लोगों ने, उनको ही सिर्फ लाभ प्रतीत होता है ऐसे जगह। नहीं तो जो पढ़े लिखे विद्वान हैं उनको कोई लाभ होगा? वे समागम में जाएंगे नहीं जाएंगे, कहेंगे बकवास होता है यहाँ, यहाँ पर क्या सिखाया जाता है, इससे ज़्यादा तो मैं खुद जानता हूँ। तुमको मैं कहानी सुनाता हूँ देवघर की। तो जा रहा था मैं बगल से गुजर करके तो हमारा ड्रेस देख करके
तो एक दुकानदार था, सोचा कि साधु होंगे, तो बुलाया सुनिए सुनिए सुनिए। तो मैं गया उसके पास, मैंने कहा क्या बात है कहिए। तो लगता है कि आप संत हैं। मैंने कहा कि मैं तो अपने को सीधे एक इंसान मान रहा हूँ, आप संत माने क्या माने, आपको कैसे पता। कपड़े से अगर कोई संत होता तब तो कपड़ा कोई भी पहन लेगा, कपड़ा तो